Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. And if you are new to my channel, hi, this is Bhumi and I am making videos on travel, fashion, lifestyle and everything I'm interested in. So, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा हॉल एंड ये हॉल होने वाला है एक ट्विस्ट के साथ. So, ट्विस्ट ये है कि ये सारी चीजें जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सारी चीजें मैंने कई महीनों पहले खरीदी थी. उसके बाद मैंने इसे अच्छे से यूज किया है, वॉश कर लिया है और मैं इन सारी चीजों का रिव्यू आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. ये वीडियो एक्चुअली शूट करने का पर्पस ये था कि जब हॉल वीडियोस हम देखते हैं तो वो सारी नई नई चीजें होती है और नई नई चीजें तो ऑब्वियसली अच्छी लगने वाली है, पर यूज करने के बाद, वॉश करने के बाद वो कैसी रहती है ये मैं आपको लोगों को दिखाना चाहती थी. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ लाउंज सेट. ये मैंने लिया था मिंत्रा से और ये ब्रांड है मास्ट एंड हार्बर का. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मास्ट एंड हार्बर इज अ ब्रांड, इज अ होम ब्रांड ऑफ मिंत्रा. सो ये कुछ ऐसा दिखता है. ये आता है एक ऐसी लूज टी शर्ट में. ये रिलैक्स फिट की टी शर्ट है और ये जो कपड़ा है वो कॉटन ब्लेंड जैसा है, काफी मतलब ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा सा सी थ्रू है, इफ यू गाइस कैन सी, थोड़ा सा ही, पर मटेरियल बहुत ज्यादा ब्रीथेबल है. ये मैंने मई में खरीदा था. मुझे समर में कुछ लाउंज सेट्स चाहिए थे तो मैंने कॉटन में दो लाउंज वेयर खरीदे थे. सो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, ये कॉटन मटेरियल है और मैं कहूँ कि ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है, ना ही ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है. ये जैसा था, जिस साइज में आया था, ये बिल्कुल वैसे का वैसा है. ऑल्सो इसमें जो यहाँ पे रबर प्रिंट से पैच वर्क किया है ये भी इतनी ज्यादा फेड नहीं हुई है, थोड़ी सी सिर्फ लाइट हुई है, बाकी वो बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट है. सो क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है. ऑल्सो स्टिचिंग भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, एकदम कम्प्लीट स्टिचिंग है इसकी. ये इसकी लेंथ बिल्कुल डिसेंट है, ट्राई ऑन पार्ट में आप देख सकते हो. ये आता है एक शॉर्ट्स के साथ, ऐसी सी इसकी शॉर्ट्स है और आप देख सकते हो कि जैसी रबर प्रिंट थी उसी कलर में यहाँ पे ऐसी पैनल दी गई है और कट वर्क इसका कुछ ऐसा सा है. ये नीचे से ऐसी थोड़ी सी मुड़ी हुई डिटेल दी हुई है. आई डोंट नो द वर्ड बट मे बी इसे एप्पल कट बोलते हैं. ये कुछ ऐसी स्पॉटी लुक के साथ आती है और ये ग्रे के साथ ये जो पॉप ऑफ येल्लो कलर है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है. और ये आता है ऐसी इलास्टिकेटेड बैंड और एक ड्रॉ स्ट्रिंग भी मिल जाती है. सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसमें पॉकेट नहीं है, पर ये जब मुझे रिसीव हुआ था तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी क्योंकि ये कुछ ऐसी सी पाउच में आया था, ऐसे पाउच में. और आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने इसे टैग भी नहीं निकाले क्योंकि ये मैंने अभी यूज नहीं किया. मैंने सोचा कहीं जाऊंगी तो यूज करूंगी, यू नो द इंडियन थिंग्स. सो यहाँ पे इसका ब्रांड लोगो आपको दिख जाएगा. ये मैंने परचेस किया था कुछ 400 के आसपास और 400 में ऐसे पाउच में ऐसे लाउंज वेयर मिलना, इट्स अ स्टील डील. आई एम लाइक आई वाज रियली शुक एट दैट टाइम के मतलब ऐसा देते हैं, मतलब 400 में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, पर 400 में इतना प्यारा पाउच और उसके साथ आपको ये लाउंज वेयर मिलता है. एंड वॉश करने के बाद ये पूरी मतलब आप समझ रहे हो कि ये समझ लो कि मैं मई महीने से, मतलब ये मैं घर में पहनती हूँ तो मई महीने से लगातार, मैं ये सितंबर चल रहा है तो उतने महीने मैंने इतना ज्यादा इसे यूज किया और मैंने इसे इतने महीने पहना, मशीन वॉश में डाला, फिर भी ये क्वालिटी एकदम इंटैक्ट है. और मेरी तरफ से इसे डेफिनेटली येस है. अगर आप परचेस करना चाहो तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो. इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई. द नेक्स्ट लाउंज वेयर इज ऑल्सो फ्रॉम मिंत्रा एंड ये है ब्रांड ETC से, आप देख सकते हो. साइजेस और वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ये कुछ ऐसा सा दिखता है और ये स्लीवलेस है, ऐसी कुछ लेस डिटेलिंग दी गई है और ये भी 100% कॉटन फैब्रिक है. सो बहुत ज्यादा ब्रीथेबल है. इसकी लेंथ आप देख सकते हो कि क्रॉप टॉप टाइप का ये टॉप है, पर इतना ज्यादा भी क्रॉप नहीं है. आप डेफिनेटली इसे घर में या बाहर कहीं जाओ तो भी आप इसे वेयर कर सकते हो. इसके साथ आती है ऐसी एक शॉर्ट्स और आप देख सकते हो कि जैसे टॉप में है वैसी ही शॉर्ट्स में भी यहाँ पे ऐसी लेस डिटेलिंग दी हुई है. एंड दिस फैब्रिक इज रियली वेरी वेरी कम्फर्टेबल और ये कुछ इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड में आ जाता है. ऑल्सो इसमें भी आपको ये ड्रॉ स्ट्रिंग मिल जाती है एडजस्ट करने के लिए. यहाँ पे आपको एक साइड पॉकेट भी मिल जाता है.
सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है. कॉटन है बिल्कुल इसका, इन दोनों में से किसी का भी कलर शेड नहीं हुआ. ऑल्सो ये श्रिंक भी नहीं हुआ और जो खिंच जाता है कपड़े, मतलब मोस्टली होजियरी मटेरियल का जब हम लाउंज वेयर खरीदते हैं तो उसमें ऑलवेज ऐसा होता है कि चारों तरफ से वो ऐसे खिंच जाता है, चौड़ा हो जाता है, पर इसके साथ ये बिल्कुल वो प्रॉब्लम हुई नहीं. मैं इसे मशीन वॉश में ही रेगुलर डालती हूँ और कोई भी कंप्लेन आज तक मुझे इसकी हुई नहीं. ऑल्सो जब मशीन वॉश में डालते हैं तो ऐसा जो लेस का काम होता है वो मतलब निकल जाता है, पर ये वैसी ही इंटैक्ट है. सो आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड विद दिस. ये कोई पाउच में नहीं आया था पर इसमें डेफिनेटली पॉकेट है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. ऑल्सो ये जो शॉर्ट्स की लेंथ है वो ज्यादा है, वो जो दूसरा वाला मैंने दिखाया इससे थोड़ी सी ज्यादा है, तो कवरेज आपको इसमें ज्यादा मिलती है कंपेयर टू द अदर वन. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है वो है कॉर्ड सेट, और ये कॉर्ड सेट ऑल्सो फ्रॉम मिंत्रा फ्रॉम द ब्रांड बेरी लश. और बेरी लश ब्रांड के बारे में मैंने सुना था पर मैंने उसके कपड़े कभी ट्राई नहीं किए थे. पर जब मैं अपने वेकेशन पे जाने वाली थी एंड इट वॉज अ बीच हॉलीडे, सो डेफिनेटली मुझे ऐसे कपड़े चाहिए थे जो थोड़ा सा बीची लोकेशन पे अप्रोप्रिएट हो, या मुझे मिंत्रा पर ये कॉर्ड सेट दिख गया. ये कुछ ऐसे क्रॉप टॉप में आता है और पॉलिएस्टर मटेरियल है, आप देख सकते हो. पॉलिएस्टर मटेरियल होने के बाद भी ये बिल्कुल, मतलब वो चीप पॉलिएस्टर आता है ये बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और प्रीमियम क्वालिटी का पॉलिएस्टर है. अगर आप कोई भी ऐसे बीची हॉलीडे प्लान करते हो तो डेफिनेटली ऐसे फैब्रिक जो होते हैं वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहते हैं, क्योंकि एक तो ये जगह बहुत कम घेरते हैं बैग में, बहुत ही लाइट वेट होता है, ऑल्सो ये बहुत जल्दी सूख जाता है और इसमें ज्यादा जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ते, तो आयरनिंग की भी प्रॉब्लम नहीं रहती. ये आता है कुछ ऐसे स्कर्ट के साथ, और ये पूरी लंबी सी स्कर्ट है, लाइक वेरी मच लॉन्ग. आप ट्राई ऑन हॉल में, आप ट्राई ऑन पार्ट में देख लेना. और इसमें आता है कुछ ऐसी जिप क्लोजर है, इसमें साइड में ऐसी जिप मिल जाएगी आपको. और ये भी सेम फैब्रिक है, थोड़ा सा सी थ्रू है. डेफिनेटली आपको इसके अंडरनीथ कुछ पहनना पड़ेगा, या न्यूड या फिर व्हाइट कलर का. मैंने व्हाइट कलर का पहना था. और ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें इतना बड़ा कट दिया है, मतलब यहाँ से ये कट स्टार्ट होता है, मतलब वेस्ट बैंड जहाँ से है वहां से ये कट स्टार्ट होता है. तो अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप थोड़ा सा स्टिचिंग यहाँ पे करवा के ये बंद करवा सकते हैं. मैंने तो जो शॉर्ट्स पहनी थी तो मैंने उसी में ही चला लिया था. और ये दिखने पर इतना ज्यादा एलिगेंट लगता है, शायद 480 के आसपास परचेस किया था. 480 में इट वॉज अ स्टील डील. ये पहनने पे इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगता है. ऑल्सो जगह इतनी कम घेरता है, आप देख सकते हो कि इतने, मतलब छोटे से हाथ में इसे मैं ऐसे फिट करके बैग में डाल सकती हूँ, तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रैवल अप्रोप्रिएट भी है. सो आप डेफिनेटली इसे चेक करना, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और अगर आप भी ऐसा हॉलीडे प्लान कर रहे हो तो बेरी लश का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर्स और पैटर्न्स मिल जाएंगे. अगर आपको ये ना पसंद आए तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से आप परचेस कर सकते हो. मैं बीच पे गई थी और बीच के हिसाब से ये कलर और ये प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसे परचेस कर लिया. नेक्स्ट अप वी हैव अ फुटवेयर, और ये फुटवेयर है ड्रेस बेरी से. आप देख सकते हो थोड़े से डर्टी है, सो एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये फुटवेयर है और मैंने अच्छे से यूज किया है इसीलिए वो ऐसे दिख रहे हैं. ये ड्रेस बेरी से है, और ये भी मैंने तभी लिए थे जब मैं बीच पे गई थी. एक्चुअली मुझे बीच के लिए थोड़े से फ्लैट्स चाहिए थे. अब जो मुझे पता नहीं कि लोग, मतलब जो ऐसी पट्टी के बिना जो फ्लैट्स पहन के बीच पे घूमते हैं तो वो कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है कि लहरें अगर आएगी तो डेफिनेटली वो हमारी चप्पल तो बहा के ले ही जाएगी. तो मैंने सोच के रखा था कि जब भी मैं जाऊंगी तो ऐसी ही फ्लैट लूंगी जिसमें पीछे ऐसा एक स्ट्रैप दिया हो. तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सा स्टडी स्ट्रैप है, पर दिक्कत ये हुई कि गीला होने के बाद आप देख सकते हो कि ये निकलने लगा. इसे मैंने इतना ज्यादा नहीं पहना, सिर्फ मैंने अपने वेकेशन पे ही पहना था और ये ऐसे निकलने लगा. सो अगर हो सकता है कि मैं ग्लू से फिक्स करूं तो ये हो जाए, पर आप ये ध्यान में रखें, आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए तो ये डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसका कलर भी टैन है और टैन कलर मोस्टली सारे आउटफिट पर चल जाता है. ये टैन कलर बहुत ज्यादा सेफ रहता है, और मैं अलग अलग मैचिंग शूज लेकर नहीं जाना चाहती थी, बल्कि हो जाता है सामान. इतनी भी ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा इंटैक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा स्टडी है. सिर्फ ये ऐसा निकल गया, सो इसे तो मैं शू फिक्सर जो आता है उससे मैं फिक्स कर दूंगी. हो सकता है कि ये मैंने बीच पे पहना था, पानी में गीला हो गया इसीलिए वैसा हुआ. तो अगर आप
पानी में ना भी पहनो और डे टू डे लाइफ के लिए भी आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव अ चेन, और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल मेरी जिंदगी जैसा लग रहा है, उलझी हुई। ऐसी सी कुछ दिखती है, ये लेयर चेन नेकलेस है और ये भी मैंने लिया था मिंत्रा से फ्रॉम द ब्रांड लिलियन स्पार्कल। उसकी भी मैं पहली बार ऐसी एक्सेसरीज में ट्राई कर रही थी, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई बिकॉज ऑफ दिस लॉकेट। ये बहुत ही ज्यादा प्यारा सा ब्लू कलर का जो लॉकेट था, तो मुझे लगा कि हॉलीडे पर ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा, सो इसीलिए मैंने इसे परचेज किया था। ये कुछ आप गले में देख सकते हो, ऐसा सा दिखता है लाइक दिस, और पहनने पर ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि आप देख सकते हो कि ये थोड़ी सी चेन जो है वो टार्निश हो गई है। ये मैंने कुछ 300 के आसपास लिया था, पर हो सकता है वहां पे मुझे होटल स्टाफ ने भी बताया हुआ था कि अदर देन गोल्ड एवरी मेटल विल गेट टार्निश, सो क्योंकि वहां का जो पानी है वो बहुत ज्यादा सल्फर वाला आता है, तो इसीलिए वो तो बोला ही गया था कि कोई भी ज्वेलरी मत पहनना क्योंकि वो काली पड़ जाएगी। पर जब ये आई और उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, हो सकता है कि पानी में अगर हम ना पहने तो ये बिल्कुल इंटैक्ट रहे, तो आप ट्राई कर सकते हो। मतलब ये कुछ 300 के आसपास मुझे पड़ा था एंड 300 के लिए इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट एक्सेसरीज, द नेक्स्ट एक्सेसरीज इज दिस स्टड कफ ब्रेसलेट। कफ ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा अभी इन है, सो तब भी इन थे और अभी भी इन है, और ये आप देख सकते हो कि ऐसे स्पाइक्स वाली कुछ डिजाइन है इसकी और ऐसे कुछ खुलता है लाइक दिस। सो ये मैंने परचेस किया था उसी हॉलीडे के लिए, तो इसकी क्वालिटी मतलब इसे पानी में मैं पहन के गई थी तो इसे तो कुछ नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। और आप देख सकते हो कि ऐसी जो मीनाकारी मटेरियल नहीं होता, मीनाकारी में वो जो रेड और ग्रीन कलर की जो इंक होती है उससे मीनाकारी करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, पर ये आइवरी कलर है, लाइक ऑफ वाइट कलर है इसका, और ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था मतलब ऑन वेबसाइट एंड इन रियल ऑल्सो। और ऐसा कुछ जब हम पहनते हैं तो बहुत ही ज्यादा अलग लगता है, और ये जो ऑफ वाइट क्रीम कलर और जो गोल्ड कलर में जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। डेफिनेटली इसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। एंड पर प्रॉब्लम ये है कि ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, फिर भी मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो अगर कभी इन स्टॉक में आए तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। ये मैंने कुछ 400 के आसपास परचेस किया था और 400 के लिए इसकी क्वालिटी डिसेंट है। सो द नेक्स्ट एक्सेसरीज इज दिस इयररिंग सेट। ये कुछ ऐसे प्लास्टिक कंटेनर में आई थी और ये ऐसे दो के सेट में मुझे रिसीव हुई थी। जो गोल्ड टोन है वो बहुत ही ज्यादा सटल गोल्ड है, ये भी है फ्रॉम ड्रेस बेरी, मिंत्रा से ही है ये भी, एंड आई थिंक मैंने इसे परचेस किया था कुछ 199 रुपीज में, एंड 199 रुपीज में जो दो मुझे मिली मतलब 100 ईच, इट्स अ रियली गुड डील, एंड तब मैंने इसे लिया था। एक्चुअली मैंने इसे स्पेसिफिकली परचेज इसके लिए किया था बिकॉज ये बहुत ही प्यारी छुटकू सी लगती है एंड इट लुक्स वेरी डेंटी एंड एलिगेंट, एंड इसकी भी डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी है। पर एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो पीछे जो कोली आती है लगाने की वो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो मुझे दूसरी जो मेरी इयररिंग्स थी उसमें से कोली निकाल निकाल के मुझे इस पे लगानी पड़ी है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। एंड या बट 100 में जो मिल रहा है वो रियली बहुत ज्यादा अच्छा है। हॉलीडे पे पहना था और उसके बाद भी मैंने 2-3 बार इसे पहन लिया, पर अभी तक इसके कलर को कुछ भी नहीं हुआ है, उसका कलर इसका टोन बिल्कुल इंटैक्ट है, सो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी बिकॉज ऑफ द कलर टोन। ये पहनने पर काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, बहुत ज्यादा क्लासी लगता है, सो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हो। ओके सो डन विथ अवर हॉल। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं और भी ऐसे पार्ट्स लेकर आ सकती हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं,
जिसका मैं आफ्टर वॉश आफ्टर यूज रिव्यू आपको दे सकती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इन सारी चीजों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मैं छोटे मोटे रिव्यूज डालती रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, अभी तक आपने नहीं किया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि अगली बार मैं और कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। See you soon.